है कि बच्चों में क्यों हो जाती है कॉन्स्टिपेशन। बच्चों के अंदर कॉमन कारण देखे गए हैं कि सबसे मेन है डाइट्री। खाने पीने के अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होती है। आमतौर पे बच्चे बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं, पेरेंट्स उनको कन्विंस भी नहीं कर पाते, या कई बार उनका उनकी चॉइस को हम मान जाते हैं और उनको उनकी जो खाने की इच्छा प्रकट करते हैं वो हम देते रहते हैं। और उनको जो पसंद है उसके अंदर मैदे की चीज़ें कॉमनली ज़्यादातर उनको पसंद होती हैं। बिस्किट्स बहुत खाते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन करते हैं। और फाइबर या रफेज इनकी डाइट में ऑलमोस्ट कम होता है, बच्चों के अंदर कॉमन इसलिए कब्ज़ होती है। पर नॉर्मली बच्चों में कब्ज़ होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और अगर ये इनके अंदर ये कब्ज़ आ रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डाइट में इनके मेजर गड़बड़ है। और अगर डाइट भी ठीक है फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, मूवमेंट भी है, बच्चा खेलता कूदता भी है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसको कब्ज़ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट के रिलेटेड कहीं कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अंदर कई बार रेक्टल पॉलिप्स हो सकते हैं, कई बार अंदर गैंग्लियन सेल जो होते आंत की मूवमेंट के अंदर दिक्कत होती है, कई बार आंत के अंदर नैरोइंग होती है, तो वो सब को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एक प्रॉपर जांच करनी पड़ती है और उस जांच के अकॉर्डिंगली उसका इलाज करना पड़ता है। बट 95% बच्चों के अंदर ये डाइट रिलेटेड होता है, जैसे डाइट ठीक करते हैं वो ठीक हो जाते हैं।